फोल्डिंग बनाई, इसको जब पुताई होना है तो ये हट जाएगा पूरा पूरा की पूरा स्टैंड अलग रख देते, ये खुल जाता है एकदम खुल जाएगी, इसको उठा के अभी हम उधर रख देंगे। ये इसके कंपटीशन में भागता है, मैं भी इतना बड़ा हूँ, तो जब भी इसको रखिए छोटे को शेड में रखिए, दोनों तरफ पत्तियां बीच में। मैं महीनों पानी नहीं डालता हूँ क्योंकि नॉर्थ में है, धूप नहीं आना है, कोकोपीट है। ये फोल्डेबल है, कहीं पे भी ये रख दिया, इस तरह कर दिया। अच्छा, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसकी जगह यूज करें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं चैनल पे चल रही है लखनऊ सीरीज़, और इस श्रृंखला में अब मुझे नए नए गार्डनर भी मिलने लगे हैं। नए नए गार्डनर्स के पास जा रहा हूँ, उनके गार्डन कवर कर रहा हूँ। तो पहला गार्डन आपने देखा लखनवी गार्डनर का, मैंने कवर किया था, जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आज मैं आ चुका हूँ टंडन फैमिली के पास। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सेटअप मिलने वाला है वर्टिकल गार्डन का। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वर्टिकल गार्डन सेटअप करना चाहते हैं लेकिन उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर बात करें सॉइल मिक्सचर की या फिर प्लांट या फिर प्लेसमेंट, उन सभी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको प्लांट को प्लेस करना है, किस तरह उसका आपको सॉइल मिक्स बनाना होगा, किस किस तरह से उसकी केयर करनी होती है और कौन कौन से प्लांट आपको चूज़ करने होते हैं। सो सारी सारी बातें करेंगे। इनके घर में आपको जगह जगह पर वर्टिकल गार्डनिंग नज़र आएगी और अलग अलग तरह के इन्होंने प्लांट यूज़ करे हैं। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं किस तरह इन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग करी है, साथ ही में जानेंगे इनकी गार्डनिंग जर्नी। तो मैं आया हूँ लखनऊ में, कवर कर रहा हूँ ढेर सारे टेरेस गार्डन। तो अगर आप भी हैं लखनऊ से, बुलाना चाहते हैं मुझे अपने गार्डन तक, तो अभी के अभी नीचे दी गई मेल आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें कि मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाता हूँ, उनके गार्डन कवर करता रहता हूँ। साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ पर रील्स भी काफ़ी सारी बनती हैं जो कि आप देख पाएंगे इंस्टाग्राम पर। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे गार्डन में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ है टंडन फैमिली, और जैसे कि आपको मैंने बता दिया, मैं आया हूँ लखनऊ में कवर करने के लिए इनका गार्डन। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गार्डन है। अभी तो सिर्फ आप एक स्पेस देख रहे हैं, इसके अलावा आपको जगह जगह पे वर्टिकल गार्डनिंग नज़र आने वाली है। जगह जगह पे इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं और ये इनका अभी नीचे का एरिया है। इसके बाद हम चलेंगे इनके टेरेस गार्डन पर जहाँ पर आपको अडेनियम की बगिया नज़र आने वाली है। सर के पास 150 से ज़्यादा अडेनियम की भी वैरायटी है, अडेनियम के शेड्स हैं सर के पास, तो हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो रहने वाली है वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर, क्योंकि इनका जो वर्टिकल गार्डन का सेटअप है वो बहुत ही जबरदस्त है। सारे के सारे सेमी शेड प्लांट सर ने यूज करे हैं। तो आज मैं सर, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आपका गार्डन देखने से पहले, मैं जानना चाहूंगा आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, कब आपने गार्डनिंग करनी शुरू करी थी, किस किस तरह गार्डनिंग करनी शुरू करी, आपकी फैमिली में कौन कौन गार्डनिंग करता है और किस तरह से आपको पौधों से प्यार हुआ। मैं बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ था, उस समय मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मुझे लगा कि मुझे कौन सा शौक करना चाहिए, उस समय मेरे पास बिल्कुल शौक नहीं था। 4-5 गमले हमारी श्रीमती जी लगाती थी, और उसके बाद मुझे लगा ये नॉर्थ में है तो बोली बेकार हो जाएगा, नॉर्थ में मकान है। नॉर्थ में मकानों का अक्सर दिक्कत होती है कि जाड़े गर्मी कभी धूप नहीं आती है। हमें ये सोचना था कि हम, मैंने जब भी सीजनल प्लांट लगाए कोई चल नहीं पाए, सब मैंने बहुत तजुर्बा किया, जब कुछ नहीं चल पाया तो मैंने कहा नहीं, हम ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसको धूप की इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत हो। उसके लिए वही वरदान है इनडायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट हमें मिलती नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट का भंडार है, तो क्यों ना हम भंडार इस चीज़ का करें, ये उसके लिए ब्लेसिंग है इनडायरेक्ट सनलाइट। इसलिए मैंने ऐसे पौधे चुने हैं जो वास्तव में डायरेक्ट लाइट के खिलाफ हैं, और डायरेक्ट लाइट में उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है और उनको पानी भी कम चाहिए। वाह, ये एग्लोनिमा प्लांट जो होता है ये वास्तव में इतना सुंदर पत्तियों का प्लांट है, और इसकी कई पत्तियां, कई शेड आते हैं अलग अलग, लिपस्टिक प्लांट है, ऑर्नामेंटल है, इस तरह से काफ़ी हैं। तो मैंने जब इसको लगाना शुरू करा तो देखा ये चहकने लगे प्लांट, अपने आप ही चहकने लगे। मुझे लगा कि नहीं, ये जगह की ज़रूरत है, लोग बाग इसको। दूसरा चीज़ ज़रूरी होता है कि इसमें मैंने सब प्लास्टिक के आटे कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा किया है, कोकोपीट से ये कभी भी सड़ने का इनकी कम गुंजाइश होती है, इनकी जड़ें खराब नहीं होती हैं।
तो मैंने इस तरह, अब मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको हैंगिंग करके पूरी काट पीट के लगा दिया है। छोटे छोटे से गमले में देखिए इस तरह से हमने इसमें गमले लगाए हैं, और ये लगाने के बाद ये ट्रे का यह है, ये ट्रे में भी हम इस तरह से बो सकते हैं, और इतना हल्का है इसमें कि ये एग्लोनिमा की ये कटिंग इतनी इतनी सी लगाते हैं हम, एक पेड़ से 10 बनाते हैं। ये मेरे कोई भी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मल्टीपल जो वैरायटी होती है प्लांट की, सेमी शेड वैरायटी, वो आपने लगाई हुई है, और ये जो स्टैंड्स का अरेंजमेंट है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपने स्टार्ट किया था, अभी आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज इस समय 68 साल है। 68 ईयर्स, तो 68 ईयर्स की एज में फ्रेंड्स आपके सामने सर अपना टेरेस गार्डन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीचे ये जो आपको बहुत ही सुंदर बगिया नज़र आ रही है इंडोर प्लांट्स की, वो भी साथ ही साथ मेंटेन कर रहे हैं। तो सर ये सारा काम अकेले करते हैं या आपकी कोई हेल्प भी करते हैं? इसमें तो मेरे मोटिवेशन क्या है, मैं मजबूर हो गया, हमारी पत्नी इतनी ज़्यादा गार्डनिंग के लिए थी कि वो एक एक पौधा को मुझे, जब भी मैं गमला लेता था मेरे गमले मत छुओ, तो मैंने कहा मैं सीधे गमले 50 लाता हूँ। तो मैं इकट्ठा गमले ले आया, मुझे पैसे की चिंता नहीं था, रिटायरमेंट हुआ था, मैंने कहा क्या 10-20 हज़ार रुपए के लिए बातें करते हैं। तो हमने पहले ही 200-300 गमले लाके और सब ये गमले इकट्ठा ले लिए थोक से, और उसके बाद मैंने सोचा इनको लटकाएंगे तो मट्टी खत्म कर दी, इसमें कोकोपीट का हमने उपाय अपनाया, और फिर मल्टीपल सब प्लांट अलग अलग लिए, और बहुत छोटे छोटे बाजार में मिल जाते हैं, बस ये पेशेंस रखना पड़ता है। कम से कम 4-5 साल की बगिया है, और इसमें सब प्लांट जो है वो 2 पत्ती का 200 रुपए का मिलता है, अब ये प्लांट 2-3 हज़ार रुपए से कम बाजार का नहीं है। अच्छा सर, इसी के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं अभी आपका पूरा टेरेस गार्डन दिखाने वाला हूँ, नीचे जो अभी हम बगिया देख रहे हैं ये भी मैं पूरी दिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि व्यूअर उसके बारे में सोचते रहते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। अभी आपकी फैमिली में यहाँ पे कौन कौन गार्डनिंग करता है? हाँ, हमारी फैमिली में तो हम दो ही जने रहते हैं। अच्छा, आप करते हैं और मैम, दोनों बस, दोनों मिलकर गार्डनिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे हजारों प्लांट हैं आपके सेमी शेड के, इसके अलावा छत के ऊपर अडेनियम की बगिया है पूरी की बगिया है, तो वो दोनों आप ही लोग मेंटेन करते हैं? 2,500 प्लांट, यस। और ऐसे प्लांट हैं जिनमें केयर नहीं करना, मैं इसमें महीनों पानी नहीं डालता हूं, क्योंकि नॉर्थ में है, धूप नहीं आना है, कोकोपीट है। अच्छा। इसकी देखभाल हमें बहुत कम करना पड़ती है, नहीं तो हम लोग कवर ना कर पाए, हमारे कोई माली नहीं है, कोई सर्वेंट भी नहीं है, हम दोनों जने रहते हैं। तो ऊपर में भी जब मैंने एडेनियम लगाए, तो पहले तो मैंने हरे चादर लगाया, सब कुछ केयर किया, केवल अभी मैं देखता हूँ इनको कोई भी केयर नहीं चाहिए, ये उसमें भी हम ऐसा सोचते हैं कि वो मर जाएंगे। हमारे यहाँ अभी आप ऊपर देखेंगे पूरे खुले में रखे हैं, जाड़े भर में ऊपर कोई मैं ना तो पानी डालता हूँ। अच्छा। ना ही ऊपर मुझे कोई केयर होती है उनकी। हाँ, जब 10 डिग्री से कम जाता है तो चिंता जरूर होती है, अभी तक कोई नहीं मरा। तो ये बातें हो रही है फ्रेंड्स अडेनियम के बारे में, सर की जो अडेनियम की बगिया है उसकी वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आने वाली है, तो उसमें हम डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं सर की कैसी बगिया और किस तरह सर काम करते हैं। सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपने रिटायरमेंट के बाद जब आपकी वाइफ ने आपको इनकरेज किया गार्डनिंग के लिए और उन्होंने बोला कि प्लांट्स चाहिए, तो आपने बोला कि मैंने सीधा 10 से 20 हज़ार रुपये लगा दिए, उसके बाद अभी तक आप कितने रुपये खर्च कर चुके हैं? इसमें पैसा कुछ ज्यादा नहीं लगता है, केवल हमारी साइकोलॉजिकल है, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है गार्डनिंग सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो रिच हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन गार्डनिंग नहीं कर सकता, गार्डनिंग एक महंगा शौक है, तो उसके लिए क्या कहना है? सबसे सौखा, सबसे सस्ता शौक है, और सबसे ज्यादा ये मेडिटेशन देता है आदमी को, ऑक्सीजन देता है, मेंटल ऊर्जा देता है, हम इसी की पत्तियों से बातें करा करते हैं। और मुझे लगता है जो लोग दुबई घूमने जाते हैं 1.5 लाख रुपए खर्च करके और ईंटों के बिल्डिंग देख के बहुत खुश होते हैं और चारों तरफ कहते हैं मैं दुबई गया, मैं तो कहता हूँ मेरा गार्डन देखो आके, जब वो गार्डन देखते हैं तो ये परमानेंट हमारे यहाँ दुबई यही बना दिया। अब लोग आके देखते हैं कहते हैं भाई एक दिन गार्डन दिखाओ, तो मेरे यहाँ तांता लगा रहता है अक्सर एक दूसरे को, इस पब्लिसिटी माउथ पब्लिसिटी से मेरे यहाँ चैनल भी आने लगे, अभी तो एक आध और भी आए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि बस आपके यहाँ गार्डन देखना है। नाइस। तो फोन आते हैं और मैं वेलकम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई देखेगा आके, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ, केवल मेरे अपने शौक के लिए, ये भी कम है, मैं तो चाहता हूँ दुगने और करेंगे, इसीलिए मैं तरह तरह के स्टैंड फूड, ये सब मेरे दिमाग की उपज है कि हम और कैसे मैंने दीवार पे बनाई, कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में, कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह की हमने ये रखे हैं ये तो चलते हैं सर, अब आपका पूरा का पूरा नीचे ये जो गार्डन है हम देखना शुरू करते हैं, कहाँ से किस तरह आपने स्टार्टिंग करी, किस किस तरह से आप पौधे लाए, हमारे व्यूअर्स को आप सब कुछ बताएं, ताकि आप ही की तरह जिनके पास स्पेस हो और वो वर्टिकल गार्डनिंग करना चाहते हैं और नॉर्थ फेसिंग उनका घर है तो वो भी स्टार्ट कर पाएं।
इतनी कम स्पेस में इतने पौधे लगाना मैं चैलेंज देता हूँ, बहुत मुश्किल है। मैं भी आज सोचता हूँ मैंने कैसे किया, ये केवल मनन है, इंटरेस्ट है, शौक है और ये प्रैक्टिस की बात है। बिल्कुल, ये दो दिन में आदमी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अगर उसका मन है, इच्छा है, तो वो अपने आप ही निकाल लेगा रास्ता। मैंने जिस तरह स्टैंड बनाए हैं और स्टैंड पे जो मैंने ट्रे लाए हैं, ये भी टाटा की ट्रे है, बहुत मजबूत। सर देखते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड अभी हम ये आपको दिखाने वाले हैं पूरा का पूरा। पहले मैं देखता हूँ इनका वो वाला सेटअप किस तरह सर ने किया हुआ है। लोग कहते हैं जगह नहीं है, नॉर्थ मकान है, कहाँ पे लगाएंगे प्लांट, जगह बहुत गिरता है, इट इज ओके, बट हमें अपने आप रास्ता निकालना होगा। हमें ये स्नो क्वीन लगाना है, इसकी इसका इसका छोटा सा पॉट में ये पूरा झबरा हो जाता है। और इस तरह से हमने ट्रे ये बाजार से अमेजोन से लिए हैं, टाटा की ट्रे हैं, बहुत मजबूत ट्रे हैं इसको, और इतना पैसा नहीं लगता इसमें। ये 300 के हिसाब से फुटकर मिलती हैं, मैंने इकट्ठा 15-15 ट्रे मंगवाई हैं। ये कलांचू दैट इज़ ए गुड प्लांट, इतना हार्डी प्लांट है कि इसमें ये सूखने का नहीं है, बल्कि ये पत्ती सूखता है। मैं पत्ती डालता हूँ उससे पौधा बनाया है, और ये पत्तियों से पौधे बनते हैं कलांचू। ये वेरीगेटेड पत्ती का फ्लावर है, वो प्लांट है, और इसमें प्लेन भी आते हैं। मैंने प्लेन बिल्कुल हटा दिया अपने यहाँ से, क्योंकि मुझे प्लेन पसंद नहीं था, वेरीगेटेड प्रिंटेड पत्ती मुझे पसंद है। और सर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत लाल, बहुत अच्छे फूल। अब ये बड़े, जब इसको हम धूप में रख देंगे तो फ्लावरिंग दे देगा। ये धूप जरूरी है इनके लिए, केवल इसे जब फ्लावरिंग करना होगा तब मैं इसको धूप में ले जाकर रख दूंगा। अभी तो मुझे ग्रो करना है, तो मैं ग्रो करने के लिए इस तरह सेट करके अधिक से अधिक मैं घेर रहा हूँ जगह। और एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जगह जगह अलग अलग डिजाइन में स्टैंड बनवाए हैं, तो इनके आइडियाज कहाँ से आए आपको? पूरे आइडिया मनन है, कहीं नहीं होंगे। ये मैं सोचता था इनमें कौन से, इनमें ये हाइट पे पौधा ना जाए वो बना दें, कि ये 9-9 इंच के 1-1 फुट की हाइट पे मैंने ये बनवाए हैं। और इस तरह से ये एक सिस्टम ऐसा है, बिल्कुल हल्के हैं, इसको लिया रख दिया। आप देखिए फ्रेंड किस तरह से सर ने सेटिंग करी है, सिर्फ 2-3 छड़ लगी है, बीच में एंगल लगे हुए हैं, और उसमें ये पॉट पूरे के पूरे देखिए कुछ इस तरह से ऐसे अटक जाते हैं, और ऊपर से देखेंगे कितना सुंदर लगता है देखने में। और ये फोल्डेबल है, कहीं पे भी ये रख दिया, इस तरह कर दिया। और ये बहुत अच्छा है कि देखिए मैं बीज बो रहा हूँ इसमें, और ये बीज बो रहा हूँ, और ये एडेनियम के बीज हैं, जो सीड हैं वो निकल आए, जाड़े के कारण थोड़े से इफेक्टेड हैं, बट ये सही हो जाएंगे अपने आप। तो ये आपने देखा किस तरह से बहुत ही कम स्पेस में सैकड़ों पौधे सर ने लगा दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया सर। तो हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं सर, और देखते हैं किस किस तरह के आपने पौधे लगाए हैं, कैसे अपने स्पेस को आपने अरेंज किया, और किस किस तरह से आपने स्टैंड्स भी बनवाए। जी ये अभी देखिए मीठी नीम है, ये चाय की हम लोग घर में चटनी वगैरह में यूज होती है, इतनी पत्तियां आ जाएंगी, बस मैं ये कहूंगा कि डंडी काट देना चाहिए, झबरा हो जाएगा पूरा पड़ेगा। ये एग्लोनिमा है, ये सब पौधे एग्लोनिमा की वेराइटी है, लिपस्टिक प्लांट है, और ये सारे के सारे सर आपने प्रोपोगेट ही कर रखे हैं, प्रोपोगेट ही कर रखे हैं। एक डंडी हम अभी निकालेंगे और काट के केवल 3 इंच की डंडी रखेंगे अपने पास, 3 इंच नहीं बस की 1.5-1.5 इंच की, और उसको काट काट के इसमें हम ट्रे में लगाते हैं, और ट्रे में लगाने के बाद पौधा बन जाता है तो इसमें हम रोप देते हैं। वाओ, ये बहुत ही बाजार में आप लोग जानते हैं ये 200-250 रुपए से कम जी, बिल्कुल ये 250 रुपीज से कम में नहीं मिलता, पौधा है छोटा सा पौधा है एक पत्ती का, और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे तो भरमार है इस तरह के पौधों की, अलग अलग वैरायटी आपको नजर आ रही है, नई पत्तियों के पौधे आ रहे हैं, ये भी अच्छा है, ऐसे है ब्यूटीफुल। और सर यहाँ पे भी कुछ अलग ही तरह का आपने स्टैंड बनवाया, जैसे वहाँ पे आपने भरमार रखे थे उसी तरह से यहाँ पर भी स्टैंड फ्रेंड ऐसा है जिसमें स्टैंड के ऊपर पॉट नहीं रखना, स्टैंड को पॉट को उसके अंदर रखना है, स्टैंड के अंदर एक बड़ा एक छोटा, इसलिए कि इसकी पत्ती फैलेंगी तो छोटे वाले पे कवर हो जाए तो कोई बात नहीं। ये शेड वाले प्लांट है, इन्हें इनके ऊपर पत्ती चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया कि इसके ऊपर पत्ती मिल जाएगी तो ये भागेगा, ये इसके कंपटीशन में भागता है, मैं भी इतना बड़ा हूँ, तो जब भी इसको रखिए छोटे को शेड में रखिए, दोनों तरफ पत्तियां बीच में। मैंने ज्यादातर यही इस्तेमाल किया है टेक्निक कि ये पेड़ के इसके नीचे है, देखिए कितना हरा भरा, और ये देखिए नया भी कल्ला दे दिया। बड़े के साथ छोटा, बड़े के साथ में छोटा रखिए, कवर करिए इसको, पत्ती को ज्यादा एक्सपोज मत होने दीजिए, लाइट में भी नहीं और एटमोसफियर में भी। वाह बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ही फ्रेंड अब हम देखते हैं एक और इनका स्टैंड जो है, जो कि है वर्टिकल गार्डन स्टैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी इनकी वॉल थी, किसी टाइम पे खाली रही होगी। तो सर इसके लिए आपको आइडियाज कैसे है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा स्टैंड बनाना? मैं सोचा करता था, मैंने पहले ये बनाया, फिर इसको बनाया, अभी इसको बनाया, पिछले साल ये आया, उसके ऊपर अभी मेरे पास वेल्डिंग वाला आया, तो मैंने कहा 2 छड़ियां बच रही हैं तो इसमें ऊपर लगा दो, और इसके ऊपर हम ये गमले लगा पाए। सर अगले तो साल इससे भी ऊपर जाने वाले हैं क्या? बस ये इसके ऊपर में जो है पहुंच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो सर धीरे 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 अपने स्पेस के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस बना दिया है। एक रॉ के अंदर आपको 15 से 20 गमले नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि इस वॉल के ऊपर कितने सारे हैं, सैकड़ों पॉट लगे हुए हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट बहुत है। पोथोज देखिए यहाँ लगाया, कितना बुरी तरह फैल रहा है, जबकि लोग कहते हैं पोथोज की दो डंडी लाने के लिए लोग सोचते हैं कहाँ है, ये पोथोज है। और ये देखिए पान की बेल, पान लगा हुआ है, जब भी हम खाना खिलाते हैं ऐसी, हमने ट्रे में पूरा भर दिया था, अभी पूरी भर जाएगी। पान उधर भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी पान लगा हुआ है, और इसी के साथ ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए हैंगिंग भी बहुत सारी सर ने लगा रखी है। तो अगर आप ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो वर्टिकल गार्डनिंग में हैंगिंग भी सर ने यूज करी है। नीचे आप देखेंगे लास्ट से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा हैंगिंग को यूज किया, और सबसे बड़ी बात कलर्स का ध्यान रखा है, एक येलो और एक रेड, पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं एक और बात बताता हूँ, ये सिंपल स्टैंड बाजार में खूब मिलते हैं, केवल उसका उपयोग कैसे किया जाए इसके लिए मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो स्टैंड में इस तरह के पौधे रखे जो अंदर भी नहीं जाए और ज्यादा ऊपर भी ना रहे और दिखे भी, ये नहीं ज्यादा बड़े गमले रख दे। तो ये 10 इंची गमला है, 9 इंची इसका रिंग है, और इस तरह से बनी बनाई 350-400 रुपए में पर गमले स्टैंड मैंने इकट्ठा ले लिए थे 3-4। फिर मैंने जो यहाँ पर जगह थी, ये पहले इसी तरह का था और इसमें कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसकी जगह यूज करें। अगर यू यूज करना है तो मैंने ये गमले अमेजोन से लिए, 200 गमले ले लिए, 100 गमले ले लिए, सब जगह लगा दिए। और इसमें जो है कोकोपीट भरने के बाद, ये देखिए ये जो है फर वाला ट्री है, इसको हमने ये दोनों को इसमें इस तरह से फंसा दिया, तो छोटी बराई, और ये एकदम लाइन से जब लगते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह नहीं घेर रहे, ना तो मेरी जगह घेर रहे हैं और ना ही इनमें पानी देने में तकलीफ है, क्योंकि मैं एक बार फुहारा डालता हूँ मुझे लगता है 2 मिनट में सब गीले हो जाते हैं। और ये पानी सर कितना सुंदर लग रहा है, पूरा ग्रीन हो चुका है, पूरा आर्क मिल जाती है, एक शेप मिल जाती है, और उस तरफ भी सर ने प्रोपोगेट करके लगा दिया है, इस तरफ देखेंगे इधर भी प्रोपोगेट करके लगा दिया, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, पहले तो आपको अग्लोनिमा सर ने दिखा दिया, फिर आपको पान दिखा दिया, मनी प्लांट दिखा दिया, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको अलग अलग पौधों की वेरायटी नजर आ रही है। अरेलिया, अरेलिया आ गया है, जबरदस्त फैला है ये अरेलिया पौधा, छोटी पत्ती बड़ा बड़ा पत्ती दे रहा है, ब्यूटीफुल। और इसको ये देखिए ब्रोकन हार्ट भी है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। ये आपका सफलेरा वेरिगेटेड आ चुका है, नीचे आप देखिए इसकी रूट्स कितनी मैच्योर हो चुकी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया आ चुका है, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक पौधा मेरा ये भी है, ये इसकी जड़ें और रूट, ये बहुत पुराना पौधा है जिसको मैंने ऐसे रख रखा है, इसकी जड़ों में मैंने पहले तार बांधा था, अभी तार खोल दिया है, फाइकस। इसका तार खोलने के बाद, और इसको कुछ नहीं चाहिए, यही बोनसाई मानिए, बोनसाई के लिए ये क्यों जरूरी है, 4 इंच हो बोनसाई, 8-10 इंच में। ये जो आपने पॉट को बड़े आराम से उठाया हुआ है, तो ये बहुत ही हल्की मिट्टी है, बहुत हल्की मिट्टी है, और इसमें आराम से बोनसाई हम कर, बोनसाई के लिए जरूरी नहीं ट्रेल है। क्यों उसको खाना नहीं देंगे, क्यों छोटा नहीं कर देंगे, छोटे में हमें जगह भी कम घेरेगा, वही बड़ी चौड़ी करके और पतला हम ले लेंगे तो इतनी मिट्टी लगेगी, जगह ज्यादा घेरेगा। हमें लगता है लोगों को जगह बचाना चाहिए, और जगह बचाएंगे तो हमारी ज्यादा प्लांट आएंगे। हाँ संदीप जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हम पे जगह ये है, तो मैं सोचता था जगह नहीं है, जगह दीवार तो है ना, ये दीवार पूरी पड़ी हुई है, इसको क्यों ना यूज किया जाए। ये दीवार यूज करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोचता रहा, ये कहीं नहीं मैंने देखा, ना कहीं उपलब्ध है, ये मैंने ऐसे फोल्डिंग बनाई, इसको जब पुताई होना है तो ये हट जाएगा पूरा पूरा की पूरा, स्टैंड अलग रख देते, ये खुल जाता है, एकदम खुल जाएगी, इसको उठा के अभी हम उधर रख देंगे। वाह, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है इनमें। और इसमें ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें हमें नंबर ऑफ द गमलाज इतने हल्के और इस तरह आ जाते हैं, इसका वेट नहीं है, इसका इसका वेट 100 ग्राम भी नहीं है इस समय, तो ये इस तरह से लगाएं, क्योंकि इसमें सबसे पहली टेक्निक है कि आपको इनडायरेक्ट सनलाइट के लगाना है, लाइट नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी, और आपको ये देखना होगा कि कलरफुल पत्ती रहे, ये भी नहीं कि हमने उल्टा, ये सबसे महंगे पौधे होते हैं, वही मैंने लगाई, इस सब कटिंग मैंने वहां से ली है अपने गार्डन से, और मैं कटिंग में ट्रे में लगाता हूँ, फिर वो कटिंग बड़ी हो जाती है तो इसमें वो देता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे वहां से सर ने कटिंग ला ला के फिर यहाँ पे भी लगाने शुरू कर दी, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल गार्डन तैयार कर दिया, जो कि फोल्डेबल है, इजीली खुल जाएगा, जब इनको हटाना है यहाँ से हटा सकते हैं, कहीं और लगा लगा सकते हैं। और इसका स्टैंड सपोर्टेड भी नहीं है जमीन में, झाड़ू लगती है, पानी जाता है, इन्होंने कहा था मेरे झाड़ू नहीं रुकना चाहिए,
झाड़ू नहीं रुक रही है तो हैंगिंग कर दिया पूरा और इसको जगह का यूटिलाइज कर दिया। ऐसी फ्रंट ऊपर देखेंगे यहाँ पे जो स्पेस है सर ने पूरा का पूरा एडेनियम से भर दिया। एडेनियम मेरे पास ऊपर एक्स्ट्रा थे तो ये इतने हल्के हैं कि मैं इसको दिखाने के लिए इस तरह बाहर एग्जिबिट करा देता हूँ। अभी तो ये देखिए, अब ये जो है बाहर पूरा गुच्छा की गुच्छा, अभी तो इसका सीजन नहीं है, जाड़े के सीजन में ऐसा ही रहता है, केवल जब ये एक दो महीने बाद होगा तो हम इसको बहुत आसानी से असेस भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से प्लेस किया है कि बाहर की तरफ पूरा गुच्छे गुच्छे लटके होंगे सारे के सारे फूलों के। कुछ अगर फोटो हो सर आपके पास, मेरे पास तो प्लीज शेयर करिएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, व्यूअर देख भी लेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। फोटो इसकी है मेरे पास और सबसे बड़ी ये बात बताएंगे, ये इनडायरेक्ट सनलाइट में भी हम डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, एडेनियम है, प्लांट अंदर है लेकिन फ्लावरिंग बाहर है, फ्लावरिंग बाहर है प्लांट अंदर है, ये इनडायरेक्ट लाइट हो गया जिसको की चाहिए इसको, और वो डायरेक्ट लाइट चाहिए तो मैंने बाहर दिया है, इनडायरेक्ट लाइट ही सब चल रहा है इधर से। एक इधर भी देखो, ये वर्टिकल गार्डन बना दिया, ये वर्टिकल गार्डन बना, ये स्नो क्वीन है, इतना जबरदस्त भर जाता है। ये सब जाड़े के मारे पौधे हैं तब इनकी हालत है, बचे भी हैं और सो उसके बाद ये जगह नहीं छोड़ा मैंने। अब ये जो जगह बनाई है, ये वैसे पौधे हैं जो बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए और ना पानी चाहिए, ना हम पानी डालते हैं, इधर हम आई नहीं पाते हैं इतने में, तो इसको क्या स्नेक प्लांट में क्या पानी चाहिए। मेरे ख्याल में एक दो महीने में भी हम देंगे तो कोई बात नहीं। वाह, पोथोज है, पोथोज भी इसमें लग जाएगा आराम से, और ये कटिंग काट काट के लगाएंगे सब हम। और इधर देखिए कितना सुंदर कॉर्नर बना दिया सर ने, यहाँ पे भी लगा ये मेरे पास घर बनवाने में शीशे बचे थे, अच्छा, तो मैंने इसको कोना यहाँ पे तीन लगा दिए, तो ये बाजार से मिलते हैं गमले ला दिए, बहुत हल्के गमले, ब्यूटीफुल। मतलब सर हम अपने गार्डन में वेस्ट चीजों को भी यूज कर सकते हैं, है ना? और वेस्ट के बाद ये है कि ये बहुत महंगे नहीं है, हमें बस साइकोलॉजी अपनी बदलनी होगी कि हम घूमने में पैसा लगा देंगे, एक दो लाख खर्च कर देते हैं, कल एक दो 10,000 रुपए के लिए कहते हैं, 2-4 हजार रुपए लिए कहते हैं, कितने का है? 35 रुपए का है, नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। मैंने कहा ये कितने का है? 2,000 का, तब ले लेंगे। 2,000 का ले लेंगे, 35 का नहीं, 2,000 का हुआ। ये है, मेरा कैलकुलेशन नहीं चलता, मैं कहता हूँ कितना खर्च, मैंने 10,000 खर्च कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, अरे अभी दुबई जाएंगे तो 2.5 लाख खर्च होगा हम दोनों का, हमने 2.5 लाख वहां शेयर ना करके मैं यही दुबई बनाई दे रहा हूँ, ये भी दुबई से कम नहीं है। वेरी नाइस, ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर इनका सेटअप है, ये वर्टिकल गार्डन सर ने रेडी किया है ये सब, और सर मैं देख रहा हूँ इसमें भी जुगाड़ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो ये चीज है, हाँ। ये मुझे लग रही है कि किसी चीज से आपने बनवाया, तो इसके बारे में बताएं क्या है ये? ये प्लास्टिक है क्योंकि सीलन ना जाए दीवार भी, और दूसरी चीज है ये फोल्डिंग है, इस पर टिकी हुई है, जब वो पोताई होता है तो मैं इसको पूरा हटा के ये गमले हटवा के हट देता हूँ और ये निकल जाता है, इसको बिल्कुल फोल्डिंग है, फुल फोल्डिंग है, कोई मैं भी परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ, ये सब पुताई नहीं हो पाएगी, धब्बे आ जाएंगे, तो ये देखना। और ये जो प्लास्टिक है ये बहुत सस्ती प्लास्टिक है, इसको मैंने 4x4 फिट की ले लिया और इसमें यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद इसको लगाया ताकि इसमें सीलन ना आए। ब्यूटीफुल सर, इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ भी वर्टिकल गार्डनिंग कर दी, इस तरफ भी बहुत ही सुंदर वर्टिकल गार्डनिंग किया गया है, उधर वाला ही है सब, ये सेम सेटअप आ गया, वही वाला फ्लेक्सिबल है, आराम से खुल जाता है, ऊपर एडेनियम भी सेम आ गए, इस तरफ जो है वो सेम, ये जो वर्टिकल गार्डन है इसी को सर ने आगे बढ़ा दिया, मतलब स्पेस कहीं भी नहीं छोड़ रहे सर, स्पेस नहीं है, और हमें कहीं रुकावट नहीं है, चलने फिरने में रुकावट नहीं है, हमारी कोई भी पौधा जमीन नहीं छू रहा है, झाड़ू लगना और स्वीपिंग सबसे ज्यादा जरूरी था कि कोई भी इसमें यहाँ पे स्टैंड ना आए, कि झाड़ू लगेगा तो गंदगी हो, तो झाड़ू लगने के लिए बहुत आसान, मैंने पहले भी पत्नी से कहा कि जमीन हम छुएंगे नहीं और पौधे लगा देंगे, दीवार हमें दे दो, तो दीवाल मिली केवल बहुत कम मिली है, 4 इंच की मिली, तो 4 इंच की दीवाल में ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने टेक्निकली यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं, आइडियाज आपके बहुत ही जबरदस्त हैं, आप वर्किंग कहाँ पे थे? मैं बैंक ऑफ इंडिया में था। अच्छा, बैंक में थे आप पहले? हाँ, बैंक में था मैं, थ्रू आउट मैनेजर रहा हूँ, तो तरह तरह की मेरे पास चैलेंज, मैंने लाइफ में सब ब्रांचेस देखी हैं, लखनऊ में मैं फिर इंचार्ज लखनऊ जोन में रहा, अच्छा। और वहां पर जाने के बाद मेरा ये था, डिसिप्लिन भी था, और दूसरी चीजें तरकीब को ऐसी की पोस्ट पर रही जिसको दिन रात हमें दिमाग में चलाना है, वे आउट क्या है, ये मुश्किल है कि यहाँ नहीं लगा सकते, वे आउट क्या है लगाए जी, बस तब ये मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपका बैकग्राउंड जो था वो गार्डनिंग से रिलेटेड नहीं था, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, लेकिन वहां पे जिस तरीके से आप चैलेंजेस को फेस करते थे, आपने यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकालना शुरू किया और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन निकाले हैं। इसी के साथ ही सर मैं देख रहा हूँ एक कॉर्नर पे भी बहुत अच्छा वर्टिकल गार्डन नजर आ रहा है, एक अरीका पाम है जो कि बहुत ही मैच्योर है, ये कितना पुराना प्लांट है? ये 4 साल का है। वाओ, ये देख सकते हैं कितना बुशी हो चुका है और कितना हेल्दी प्लांट है इनका। तो सर ये जो प्लांट है आपके सारे के सारे, एक तो आपने बता दिया सॉइल आपकी बहुत हल्की है जिसमें कोकोपीट है, परलाइट है,
और सॉइल है, थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी होगा। यस, वर्मी कंपोस्ट सारे पौधे के लिए जरूरी है, सबके लिए नहीं जरूरी है। जी, तो ये तो हो गया आपका सॉइल मिक्सचर। इसके अलावा कुछ और भी डाल देंगे जब पौधे आपके इतने हरे भरे हैं, कुछ और भी डालते हैं इसमें? कभी कभी इसमें एप्सम साल्ट कभी मत डालिए, एरिका पाम में मत डालिए, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ 3-4 साल पहले। अच्छा, तो मेरे 2 पौधे जल गए थे और वो गलती से पड़ गया था, तो मुझे ये मालूम था, मैं बताना भी चाहता हूँ खास तौर से, बट एप्सम साल्ट की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो नुकसानदायक है। बट बहुत ही चमकदार पौधे होते हैं, साइनिंग देते हैं, ग्रोथ लेते हैं। तो आपके पौधे क्या क्या डालते हो? मैं ज्यादातर तो इसमें जो है वो ये जो बर्मी कंपोस्ट है, उसके बाद में इसमें बोन मील भी थोड़ा पड़ जाता है। अच्छा, कम क्वांटिटी में। ओके, तो बोन मील से ये कर्रे हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं ये जो है। ओके, ये बोन मील की मोटी हो जाती है। हाँ, स्टेम्प मोटे हो जाते हैं। ओके, और इसमें फूल लेना नहीं है तो पोटास की मात्रा नील करते हैं, तो जैसे 0.050 लोग लाते हैं फ्लावर के लिए, एडेनियम के लिए, जब फ्लावर हम 50 हटा देते हैं, हम 19.0 लाते हैं। ओके, और सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने गार्डन में हर दिन कितना समय निकालते हैं गार्डनिंग के लिए? जब शुरू में तो लगता है, जब लगाया था तब बहुत है, केवल अब हमें कोई ज्यादा 10-8 दिन में पानी डालना होता है, बाकी इन्हें कुछ नहीं देखते हैं, ना हम कोई ज्यादा इसमें समय दे पाते हैं। आप एंजॉय करते हैं बस? मैं और गेट टुगेदर करता हूँ, घूमता हूँ, बहुत ग्रुप है मेरे साथ जुड़े हुए, जो हम दोनों जने अक्सर पार्टी वार्टी करा करते हैं, घूमा करते हैं। नाइस, मतलब आपने इस तरह का सेटअप तैयार कर दिया है जिसमें अब आपको लंबे समय तक इसके साथ नहीं लगना होता। यस, घर के अंदर हरियाली भी हो गई है और प्लांट से डेकोरेशन भी हो गया है। प्लांट से डेकोरेशन हो गया, और बिल्कुल केयरिंग, ये प्लांट केयरिंग नहीं है जी। इनमें लोगों को इसी चीज का कंफ्यूजन है कि अगर हमने पौधों को बढ़ाना शुरू किया तो हम कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएंगे और जो समय हमारे पास नहीं है। मेरा बेटा पुणे में है, मैं जाता हूँ हर साल 15-20 दिन, 1 महीना फिर चला गया, क्योंकि मुझे ये चिंता नहीं रहती है मर जाएंगे नहीं मरेंगे। इनमें अगर 15 दिन भी हम पानी नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा, एग्लोनिमा और स्वस्थ हो जाएगा। पानी की इनको, पौधे मरते हैं एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर से। और अगर ग्रोथ कम है तो एक्सेस ऑफ वाटर। और जब भी ग्रोथ कम होती है लोग कहते हैं पानी डालो पानी, मुझसे ही रोक टोक के हरे मरे जा रहे, सूखे जा रहे, आप पानी नहीं देख रहे हैं। तो मैं जानता हूं उनको, मैं यही कहता हूं कि एक्चुअल में खाना लोग सोचते हैं बहुत अच्छा हेल्दी चीज है, केवल कभी भी ज्यादा ही खाने से आदमी बीमार पड़ेगा, कम से नहीं पड़ेगा। वही पौधों के लिए भी है, वही व्यक्ति के लिए। और ये भी चीज मैं सर देख रहा हूं कि यहां पे आपने कोई भी ड्रिप सिस्टम वगैरह नहीं लगाया। वर्टिकल गार्डनिंग में फ्रेंड अक्सर हम देखते हैं कि लोग ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं, फिर उसके जरिए वाटरिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पे वाटरिंग आप इसमें लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं? मैं पूरे में ड्रिप सिस्टम लगाया, पैसा बहुत खर्च हुआ, हजारों खर्च हो गए मेरे पास, पीछे नली और वो ड्रिप सिस्टम पड़ा है, भी दिखाना कितना पड़ा हुआ है। केवल क्या हुआ कि ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने जब इधर से टंकी खोली तो वो ड्रिप सिस्टम यहाँ तक पौधा केवल 10-15 पौधे कवर कर पाता था। अच्छा, तो जब मैंने यहाँ 10 के लिए खोलना, वहाँ 10 के लिए खोलना, बीच के लिए भी 10 खोलना, तो 3 टंकी हम खोल रहे, 3 बंद कर रहे, वो पानी चू रहा है, उससे अच्छा तो नली उठाई और सीधे हमने फुहार मार दिया, सीधे जाता है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा कन्वीनियंट है, ड्रिप सिस्टम बिल्कुल फेल हो रहा है। मतलब सर केवल वाटरिंग कर रहे हो आप सारे पौधों में? पूरी बिल्कुल नली पड़ी, देखिए नली लगी हुई है, और मैंने इसको निकाला यहाँ से। अब ये जैसे हमें पौधे में पानी डालना भी है तो बस बिल्कुल आसान है, देखिए ये देखो खत्म। वाह, ये पौधे बस हमारे लिए इतना हो गया काफी, क्योंकि ये पौधे बहुत ज्यादा पानी नहीं। अब ये इतना हम खेल खेल में जब भी बाजार जा रहे कुछ जा रहे तो अपने ये इसमें क्या दिक्कत है, ये देखिए हो गया पानी। अब बाहर वाले में भी हो गया, इस तरह हो गया, पूरे पत्तियों पे जरूर छिड़की है पानी गर्मियों में, हो गया। वाह, तो मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड के अंदर यहाँ पे सर ने 100 से ज़्यादा गमलों में पानी डाल दिया है। तो जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मैं थोड़ा पास से भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर सारे बड़े पॉट हैं, नीचे सारे देखिए छोटे छोटे पॉट हैं। तो एक तरह से जो हम स्प्रे कहते हैं, स्प्रे सर ने कर दिया है, जितना रिक्वायर्ड था पानी उतना पौधों को मिल गया है। तो सर ये तो हो गया। एक और मैं एडिशनल देना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत आवश्यक है। हमको एक फायदा और हुआ कि जब हम इसमें पानी डालते हैं, अगर एक्सेस पड़ गया तो पानी वेस्टेज नहीं है, इसमें आएगा, नीचे इसका इसमें आएगा, और नीचे तक आते आते वेस्टेज खत्म है, नीचे जमीन सूखी रहेगी। तो जब भी हम पानी डालते थे तो हमारा ये गीला हो जाता था, जगह भी गीली नहीं होती, पानी का यूटिलाइज भी प्रॉपर होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इस तरह से पेड़ लगाने में है। 100 पेड़ हैं ये पूरे।
तो फ्रेंड आशा करता हूँ आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। मैं आया था टंडन फैमिली में कवर करने के लिए उनका ब्यूटीफुल गार्डन। तो अभी नीचे का गार्डन कवर हो चुका है, हो गई है शाम, फटाफट से चलेंगे इनके टेरेस गार्डन पे और ऊपर जाके अडेनियम गार्डन में आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि अभी फ्लावरिंग कम है लेकिन कुछ कुछ प्लांट पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। सबसे अच्छी बात है सर अपने अडेनियम प्लांट में बारिश और सर्दियों के टाइम में जाते ही नहीं है उन्हें देखने के लिए, और सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं उसी पीरियड में, उनके खूब सारे अडेनियम मर जाते हैं लेकिन इनके अडेनियम मरते नहीं है। तो उसके पीछे क्या राज है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाला है, लखनऊ सीरीज बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कई सारे गार्डन में जाना बाकी है। अगर आप भी हैं लखनऊ से बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो दी गई मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करें, मैं जल्दी आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। और लखनऊ सीरीज बहुत ही अच्छी चलने वाली है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर फॉलो जरूर करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब करिएगा, इनकी वीडियोज़ देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।